महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडल कंट्राती कामगार संगठन संयुक्त कृति समिति के तत्वावधान से पिछले 8 दिनों से अनिश्चितकालीन हड़ताल का आह्वान किया गया है। पिछले कई वर्षों से उनकी कई मांग लंबित है, जिसमें बढ़ती महंगाई, निजीकरण और कम वेतन भी शामिल हैं, जिसके चलते संविदा कर्मचारी अपना और अपने परिवार का भरण पोषण कैसे करे, इस गंभीर प्रश्न के साथ वह आगे आए हैं। आज विपक्षी दल के नेता विजय वड्डेटीवार ने अनिश्चितकालीन हड़ताल स्थल पर जाकर महाराष्ट्र राज्य विद्युत बोर्ड की संविदा कर्मियों की मांगों को सुना और अपनी जान जोखिम में डालकर काम कर रहे हैं। संविदा कर्मियों की उपेक्षा के लिए सरकार की आलोचना की, इसके साथ ही बेरोजगार युवाओं, प्रशासनिक सेवा और निजी सेवा के कर्मचारियों को वेतन वृद्धि और विभिन्न भत्ते देने के बजाय देश के उद्योगपतियों का कर्ज माफ कर रही है, देश भर में घूम रही है, ये बात उन्होंने इसी दौरान कही। साथ ही उन्होंने इस समय उपस्थित लोगों को वचन दिया कि अगले सत्र में महाराष्ट्र राज्य विद्युत बोर्ड के संविदा कर्मियों की समस्या का समाधान करने के लिए वे इस मुद्दे को पुरजोर और प्राथमिकता देकर इस समस्या का समाधान करेंगे। इस अवसर पर मुख्य रूप से युवा कांग्रेस प्रदेश सचिव व विजय क्रांति मजदूर संघ अध्यक्ष शिवानी वड्डेटीवार, गढ़चिरौली कांग्रेस जिला अध्यक्ष महेंद्र ब्राह्मणवाड़े, महाराष्ट्र प्रदेश महासचिव डॉक्टर नामदेव किरसन, किसान सेल जिला अध्यक्ष वामनराव सवासकड़े, युवा कांग्रेस विश्वजीत कोवासे एवं गढ़चिरौली जिले के कांग्रेस पदाधिकारी बड़ी संख्या में उपस्थित थे। इस मौके पर संविदा कर्मी विजय भाव आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ है का उद्घोष कर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। कैमरा पर्सन राजकुमार मोड़ के साथ मनीष टेमरे, BCN न्यूज नागपुर।